हे फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, मतलब प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे बहुत ही इजीली। परसेंट कैसे निकालते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे हमें निकालना है 400 का 20%, तो यहाँ पे हो गया 400 का 20%। तो जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए, परसेंट मतलब होता है 100, मतलब यहाँ पे 20/100 है, परसेंट का मतलब होता है 100। तो आइए देखते हैं, इसको लगाते हैं बहुत ही इजीली, जिससे तुम्हें बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 400 × 20। यहाँ पे देखो 20 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं 20, और परसेंट का मतलब होता है 100, मतलब अपॉन 100। तो अब जब तुम्हें यहाँ तक समझ में आएगी, अब तुम्हें इसे बहुत ही इजीली काट लोगे। देखो ये देखो, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये कैंसिल हो गया। अब 20 का टेबल अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 80। तो देखो 80 हमारा आंसर होगा, कितना इजीली था ये निकालना परसेंट। तो अगर तुम भी ऐसे ही निकालोगे तो तुम भी बहुत ही इजीली परसेंट निकाल लोगे। बस कुछ नहीं करना है, परसेंट मतलब होता है 100, मतलब जो जिस पे भी परसेंट लगा, चाहे वो 20 पे हो 30 पे हो, अगर परसेंट लगा है तो इसका मतलब 20/100, 30/100। तो यहाँ पे आप 600 का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो परसेंट मतलब जैसे तुम्हें पड़ता है 100 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 600 × यहाँ पे निकालते 600 × 40 जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, और परसेंट का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100, परसेंट का मतलब ही होता है 100, जिस पे भी लगा है इसका मतलब। अब देखो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 40 का टेबल अगर हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 240। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया, अगर 40 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 240 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, परसेंट मतलब 100 होता है, तो जहाँ पे जितना का पूछा हो इंटू करके उसको 100 कर देना है। मिलते हैं, बाय बाय।